फाइनली थोड़ा यार डोमिनार पे चला के देख लेते हैं बोला. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस आफ्टर 2 मिनट्स रोड स्टेबिलिटी भाई, जो चिपक के गाड़ी चलती है रोड पे, होली स्मोक्स. और इसका जो छठवा गियर है ना, ये ऐसा ट्यून्ड है कि आप 80 पे चलाओ, 80 के आगे गाड़ी मक्खन है भाई, मक्खन एकदम. जबकि ये गाड़ी अभी 22,000 किलोमीटर चल चुकी है, बट स्टिल 4,000 के बाद जो मक्खन है गाड़ी है. इवन मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जिक्सर से ज़्यादा स्मूथ लगती है मेरे को 80 के बाद. और जिक्सर का ऐसा है कि 75 तक जिक्सर एकदम बटर है, उसके बाद एक हल्का सा बज आ जाता है इंजन में, हैंडल बार में. वाह दोस्त, नहीं भाई दिस इज लाइक यू आर चेरियट्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, नीड फॉर स्पीड में एक डायलॉग था, चेरियट्स ऑफ द गॉड्स, ऐसा वाला फील है इसका भाई. और मुझे थोड़ा हैंडल है ना बड़ा चाहिए, थोड़ा और जाने दो यार, क्या करेंगे थोड़ा और. हाँ देखा, अभी 65 पे आ गई, 4000 RPM पे थोड़ा बज आ गया इंजन पे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और थ्रॉटल देता हूँ और गाड़ी 70 पहुँचती है मक्खन, बस यहाँ से मक्खन है गाड़ी. अरे बहुत प्यारा यार. एंड ब्रेक्स थोड़े से और अच्छे होने चाहिए थे, 250 के ब्रेक्स उतने कॉन्फिडेंस एक्सपायर नहीं है. अरे ओके, और एक गियर डाउन करूँ, नहीं सेकेंड गियर, ओके. ये बड़ा टाइम दिखा रहा है यार, तो 93 किलोमीटर्स टू गो. श्योर व्हाई नॉट बेबी, लेट्स डू इट. और वो रही अपने जिक्सर को तो मैंने आज तक नहीं देखा था पीछे से. फर्स्ट गियर, इसका मुझे क्लच नहीं समझ रहा यार किधर है, जैसे बहुत आगे इसका क्लच, या फिर मेरे जिक्सर का बहुत पीछे है क्लच, क्या पता है. इसका मुझे लगता है इसका क्लच का सेटिंग थोड़ा ये हो गया है. मक्खन स्मूथ यार, 4000 के बाद जो स्मूथ होती है ना ये गाड़ी, बोलते ना ये बनी है भाई टूरिंग, बस यहाँ से चलो गोवा, गोवा से चलो केरला, केरला से चलो बैंगलोर, दिन भर 75-80 भाई, दिन भर. हाँ लेकिन ये है कि आप इसमें आप छपरी वाले नहीं काम कर सकते हो. हाँ वैसा वो मतलब फ्रंट हैवी है ना गाड़ी, तो वैसा वाला फील नहीं है इसका. इसका मतलब प्रॉपर यू आर ड्राइविंग समथिंग सीरियस, बी अ मैच्योर्ड गाय एंड ड्राइव लाइक दैट. हालांकि जस्ट इन केस अगर करना होगा तो कर सकती है गाड़ी, ऐसा नहीं है. हो गया टॉप गियर पे गाड़ी, सो टॉप गियर 4000 RPM पे 70, हम लोगों की गाड़ी शायद 4500 पे आती है 70 पे. पल्सर 250F भी मैं ट्राई करूँगा बाद में. वाओ 5000 पे 83 के आसपास 90 भाई, 5500 पे 90 है गाड़ी मेरी, 6000 पे 90 पहुँचती है और 6.5 पे 100 पहुँचती है. सो 500 RPM का इसको एडवांटेज है. हालांकि इसका इंजन का मेरे ख्याल से रेव 9500 तक है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 9500 पे और मेरा 10,000 पे है, लेकिन वही है चलाता हुआ ना 10,000 पे भाई 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 4500 एट ज़्यादा स्पीड चला रहा हूँ एक्चुअली मैं, एंड आई एम नॉट अवेयर कि गाड़ी इतनी फास्ट चल रही है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत गॉड लेवल है भाई. ओके हाईली इम्प्रेस्ड. एक बार गाड़ी 65-70 के ऊपर गई ना, बस एफर्टलेस है गाड़ी उसके बाद फिर. हाँ लेकिन जैसे ही गाड़ी स्लो होती है वाइब्रेशंस समझ में आते हैं, हैंडल पे तो बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में आ रहा है अभी, फुटपैक्स पे उतना नहीं है, टैंक पे समझ में आ रहा है. ओ फाक भाई भाई भाई, हाँ देखो अभी 60 पे आ गई ना, अभी बस एक आ गया हैंडल पे, एक बस एक हैंडल पे आ गया. सही है यार, काफ़ी अच्छी है गाड़ी. अच्छी है, नॉट बैड. हाँ मतलब वो फील नहीं होता कि और एक गियर डाल दूँ छठवें गियर पे ना, वो फील नहीं है. जिक्सर में वो फील आती है कि छठवें गियर पे आप जब एक
4000 5000 के आप उस पर पहुंचते हो ना, तो एक बस जहाँ लगता है तो आप सोचते हो एक और डाल दूँ, लेकिन एक है ही नहीं उसमें और सातवां गियर तो है नहीं। और इसमें ऐसा है कि 6000 पे इतना 4500 के बाद जो स्मूथ होती है ना गाड़ी, ओ ब्लडी हेल 100 भाई, ओ भाई 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 100 भाई, क्या स्टेबल है गाड़ी, यू कैन डू 100 ऑल डे लॉन्ग। प्यारी यार, बहुत प्यारी। ओके, इसकी राइट साइड में जा रही है थोड़ी थोड़ी, बफेटिंग कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ पे तो शायद इसका आ रहा है, इसका कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा भाई, बफेटिंग कहाँ है इसकी, हाँ यही है जो है यहीं पे है, 60 पे आ गया था, 3500 RPM, नो स्टार्टरिंग नथिंग, 3500 पे क्लीन पुल कर रही है गाड़ी, एकदम क्लीन पुल, वो पीछे मेरी जिक्सर अगर मिरर में दिख रही होगी तो, एकदम क्लीन पुल है गाड़ी का यार, बहुत प्यारी है। एक्चुअली अच्छा है विंड नॉइज, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है मेरे एकदम सामने, और बाकी जो मेजॉरिटी है वो यहाँ है ऊपर, यहाँ ऊपर है, तो ये वाली विंडशील्ड बहुत अच्छी है, मतलब कौन सी है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, JV रेसिंग की कोई तो विंडशील्ड है, अगर आप मेरी तरह 5859 हो ना तो ये आपको चल जाएगी, ये वाली विंडशील्ड प्यारी है भाई, 5000 RPM भाई, खतरनाक 80 पे क्रूज दिन भर, वाओ। बस वही है माइलेज इज द बिगेस्ट कंसर्न इस गाड़ी का, बिकॉज 35 अगर आप रेडी हो उस काइंड ऑफ माइलेज के लिए तो आप आंख बंद करके ले लो, कुछ है नहीं भाई, और इस प्राइस पॉइंट में आपके पास कोई गाड़ी नहीं है जो इसकी क्रूजिंग एबिलिटीज को टक्कर दे सकती है भाई, मानना पड़ेगा। इवन मेरी जिक्सर भी नहीं है भाई, टूरिंग के लिए बिल्कुल नहीं है वो गाड़ी, समझ लो मतलब अगर आप 50% सिटी 50% टूरिंग करते हो ना तो आप जिक्सर सही है एक बार, 70 के नीचे गया ना वो बस आना शुरू हो जाता है वापस, सो मेक श्योर आप 70 के ऊपर चला रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी प्रॉपर है यार गाड़ी, प्रॉपर सिटिंग पोजिशन, दिन भर बैठ के चला लो इस पर, ऐसा लग रहा है ये तो बैठने में, हैंडल्स भी मस्त, हैंडल एक्चुअली मुझे थोड़ा और मेरी तरफ चाहिए, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा और पीछे और थोड़ा मेरी तरफ, इसमें अगर मीटियोर का हैंडल बार लगा दें तो शायद हो जाएगा, सही है, बाकी तो बहुत प्यारा है यार इसका सिटिंग पोजिशन, मैं दिन भर चला लूँ भाई ऐसी गाड़ी, वही है मैं इसीलिए ना मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इतनी अच्छी, मतलब पहले मैं बुरी गाड़ियाँ मैं पहले एक्सपीरियंस कर लूँगा, उसके बाद सब गंदा एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप एक अच्छी गाड़ी लोगे ना तो आपको वो फ्रूटफुल लगेगा यार कि हाँ ये सही है गाड़ी, ये मतलब ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ऐसा कुछ ड्यूअल सिलेंडर में आ जाए यार, वाइब्रेशन इसके अगर ख़त्म कर देना डोमिनार कैसे तो आए हाय तोड़ देगी मार्केट, पूरा मार्केट तोड़ देगी। सेकेंड ईयर 4000 RPM चेंज यप परफेक्ट पावर डिलीवरी, परफेक्ट एकदम, कौन बोलता है डोमिनार हिलती ये नहीं होती, हैंडल नहीं होती, बस थोड़े ब्रेक्स और टाइट चाहिए गाड़ी क्या यार थोड़े ब्रेक्स पे और काम करना चाहिए, आई थिंक इसको वही EBC के महंगे वाले ब्रेक पैड्स देने पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी हैवी है ना। ओके हाँ, इसका ये भी है कि गियर 4000 में मत चेंज करो भाई, थोड़ा सा और जाना तो 4500 चेंज, हाँ 4500 परफेक्ट है इसके लिए, 4500 पे चेंज करते जाओ सारे गियर, प्यारी भाई बहुत प्यारी। अरे यार ऐसे मैं मैप्स देखना बंद कर दिया यार, मैं गलत ना पहुँच जाऊँ कहीं और भाई साहब 70-80 दिन भर करो भाई, दिन भर, कब नाशिक आएगा कब गुजरात आएगा कुछ नहीं समझेगा इस पे तो,
बस ब्रेक लेते रहो 100-100 किलोमीटर पे और चलाते रहो दिन भर। अच्छी चॉइस है टूरिंग के लिए। काश मैं सिर्फ टूरिंग करता। आएगा वो भी दिन आएगा। वाव एटी इसका लाइक बेस्ट स्पॉट है 80। ओ क्या प्यारा गियरबॉक्स है भाई। धीरे 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 जाती है इसका मतलब हर गाड़ी का यही इश्यू है डोमिनार में। एक साइड मतलब लीन स्विंग करने लगती है गाड़ी। देखना एक भी गड्ढा नहीं समझ रहा नीचे का, एक भी अंड्यूलेशंस नहीं समझ रहा है, गाड़ी एकदम सीधी चल रही है। हाँ ब्रेक का बिल्कुल अच्छा नहीं है यार। ब्रेक पे पता नहीं क्या हुआ है इसके ब्रेक्स को, या तो इसका कुछ इशू हुआ है या तो फिर इसके ब्रेक्स है ही नहीं अच्छे। ब्रेक समझ में नहीं आ रहे मेरे को। मेरे को जो मतलब एवेंजर और जो पल्सर F250 का ब्रेक जो लगा है ना, वैसा मेरे को ब्रेक समझ में नहीं आया यार किसी गाड़ी का। अच्छा और छोड़ने पे इंजन ब्रेकिंग इतना कम है ना इसका कि आपको ऐसे नहीं करती, झटके नहीं देती यार। बहुत प्यारी है ये। बजाज के इंजन का मुझे बहुत सही लगा कि मतलब छोड़ो तो देखा एकदम आराम से, और साला जिक्सर में छोड़ो तो भरा करके लाइक ऐसी गाड़ियाँ मतलब लेकर इंडिया तुम नाप सकते हो आराम से। टाइम टू टाइम इसकी सर्विस कराते रहो, जो भी माइलेज है उसको एक्सेप्ट करते रहो और पूरा भारत घूमते रहो भाई। कोई टेंशन नहीं ऐसी गाड़ियों पे। घंटा फील हो रहा है कि इसको 130 का टायर है और सामने 100 का स्किनी टायर, कुछ नहीं समझ रहा। एकदम चकाचक चल रही है गाड़ी, एकदम चकाचक। एंड माइंड यू स्टॉक टायर्स पे गाड़ी 22,000 किलोमीटर पे, एंड स्टिल देर इज नथिंग कि मतलब भाई नहीं स्कीड हो जाएगी, अजीब लग रहा है। एकदम प्यारी है भाई। बस आपको समझना चाहिए कि काउंटर स्टीयरिंग कैसे करते हैं गाड़ी का, एकदम खतरनाक है रे बाबा। हाँ घाट्स में, घाट्स के स्पीड में जब आप गाड़ी चलाते हो तो वाइब्रेशंस एविडेंट है भाई। या तो सच में आपके घाट्स इतने अच्छे हों कि आप 70 पे चला पाओ वहाँ पे, ये घाट्स तो नहीं है इतने अच्छे। घंटा भाई छोटे वालों से तो फर्क नहीं पड़ता, इसको उड़ते हुए जाती है उसके ऊपर से ये। ओह क्या पावर है इसका लास्ट गियर पे, क्या पुल है गाड़ी का यार। ओ भाई छठा गियर डालने पे इतना पुल है गाड़ी को, होली क्रैप। हाँ अभी इसका जो बफेट है ये मेरे एकदम सामने आ रहा है अभी। नाइन्टी ऐसे ही पहुंचती है ये गाड़ी। बहुत प्यारा लगा यार इसका मेरे को गियर बॉक्स और ये सब। बस इसका क्लच थोड़ा अभी मेरे को लग रहा है ना, इसका क्लच का सेटिंग कुछ तो हिल गया है, इसीलिए बहुत आगे है इसका क्लच। पांचवे गियर पे एकदम आराम से, फिफ्थ गियर सही है। छठा गियर अभी डाला मैंने 85 पे, होली क्रैप। नहीं भाई भागती है, गंदा वाला भागती है ये। अगर आप थ्रॉटल छोड़ो नहीं तो भागती रहती है। सही है, अच्छी गाड़ी है। सो यार दैट्स माय कंक्लूजन भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है अगर पाल सको तो। अगर पैसे हैं, माइलेज आप अफोर्ड कर सकते हो और मेंटेनेंस अफोर्ड कर, अपना हाँ मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हो, आँख बंद करके ले लो, मजे करो गाड़ी के साथ। कुछ ब्रेक पैड आप अच्छे वाले लगा लो ताकि ब्रेक्स एकदम ऑसम हो जाए। और इसका क्लच का तो मेरे को लगता है दूसरी गाड़ियों का अच्छा होगा, इसका कुछ तो हो गया आगे पीछे। विंडमिल्स, लवली विंडमिल्स।